हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे सेकंड अपील कैसे करते हैं। तो अगर आपने ऑफलाइन आरटीआई किया था और ऑफलाइन तरीके से फ़र्स्ट अपील भी किया था और 30 दिन के अंदर आपको फ़र्स्ट अपील का रिप्लाई नहीं मिला है या फिर जो रिप्लाई मिला है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप ऑनलाइन चाहें तो अपील कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने ऑनलाइन ही आरटीआई किया था या फ़र्स्ट अपील किया था। आपने अगर ऑफलाइन भी आरटीआई एप्लीकेशन किया था और आपने अपील किया था ऑफलाइन, तो भी आप ऑनलाइन सेकेंड अपील कर सकते हैं। और सेकंड अपील करने से पहले कुछ चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखिएगा ताकि आपका जो समय है वो बच सके। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि जब भी हम सेकंड अपील करते हैं तो हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं वो स्कैन होने चाहिए। जो भी आप फ़ोटोज़ ले रहे हैं वो बिल्कुल स्कैन्ड होने चाहिए और साथ ही साथ उसे हम PDF में भी कन्वर्ट करेंगे। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है और इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी आपको समझाने के लिए कि हम कैसे बिना पैसा लगाए एक भी रुपए किस तरह से किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करें और उसको PDF में कन्वर्ट करें। और साथ ही साथ अगर एक से ज़्यादा पेजेस है तो PDF में उसको हम कैसे अटैच करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आपका एप्लीकेशन 2 पेज का है और आपने सिर्फ एक ही पेज दिया है तो आपका RTI का जो सेकंड अपील है वो रिजेक्ट हो जाता है, जैसा कि मेरे साथ एक केस में हो गया था, क्योंकि मैंने दोनों साइड जो पेजेस के थी वो अटैच करके इनक्लोज नहीं किया था। आप इसकी जानकारी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, फैसिलिटेशन वीडियो वाले में। तो जो हमें पहले डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो पहले से ही स्कैंड होने चाहिए, साथ ही साथ PDF फॉर्म में होने चाहिए, उन डॉक्यूमेंट्स के नाम है, पहला है हमारा जो आपने RTI किया था वो RTI का एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए। उसके बाद वो जो RTI का रिप्लाई आया था वो भी आपके पास होना चाहिए। और थर्ड हमारे पास जो हमने अपील किया था, हमें जो भी प्रॉब्लम या ऑब्जेक्शन थी हमारे RTI के रिप्लाई से, वो रखेंगे हम अपने पास। और जो RTI की फ़र्स्ट अपील का जो रिप्लाई हमें मिला है रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से, उसकी भी फ़ोटोकॉपी हमें रखनी है। और अगर आप संतुष्ट नहीं हैं RTI के फ़र्स्ट रिप्लाई से या 30 दिन में आपको RTI का जवाब नहीं मिला था, तो हम करते हैं सेकेंड अपील। तो सेकंड अपील करने के लिए ये 4 चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ आपको एक सेकंड अपील के लिए लिखना होता है एप्लीकेशन, जो बेसिकली मैंने हैंड रिटन किया है, खुद से ही लिखा है हाथ से अपने, और मैंने इसको MS Word में नहीं लिखा है। तो आप भी ये तरीका यूज़ कर सकते हैं कि सेकंड अपील आप एक लिख लेंगे टू द CIC न्यू दिल्ली सर सैल्यूटेशन में डाल करके, और आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है सेकंड अपील फॉर अनसेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई, और जो भी आपका लॉजिक हो लेट रिप्लाई या फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या कॉन्ट्राडिक्शन इन टू RTIs करके। और राइट साइड के टॉप में हम लिखेंगे डेट, सेकंड अपील हम लिख देंगे क्लियरली जो विजिबल हो। और उसके बाद हम अपना रीज़न बताएंगे कि क्यों हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, और अपनी बात को अच्छी तरह से कहने के लिए हम इसके साथ में कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी देते हैं। तो मैं जो आज करने जा रही हूँ सेकंड अपील, उसके साथ मैं 2 सपोर्टिंग एविडेंसेस भी दे रही हूँ ताकि मेरी जो बात है वो और स्ट्रांगली मैं रिप्रेजेंट कर सकूँ CIC के पास में, या उनको रिप्रेजेंट कर सकूँ। तो अब हम देखेंगे कि कैसे करते हैं सेकंड अपील। तो मैंने पहले से ही ये सारी चीज़ें जो हैं, जो मुझे रिक्वायरमेंट थी, वो ऑलरेडी एक जगह कंप्यूटर में कर लिया था, जिसको मैंने अभी मोबाइल में भी कर लिया है। तो अभी हम हैं CIC के वेबसाइट पे, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने लिया है RTI एप्लीकेशन, जो सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा, सेकंड नंबर पे दिख रहा होगा RTI का रिप्लाई जो मैंने PDF के फॉर्म में लिया हुआ है, फिर सेकंड अपील जो मैंने लिखा है अपने हाथ से कि मुझे फ़र्स्ट अपील से या RTI के रिप्लाई से क्या मतलब अनसेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई लग रहा है, फिर मैंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं, और RTI की अपील और RTI का अपील का जो रिप्लाई है वो भी लिया है। और अब हम चलते हैं CIC के वेबसाइट पे। तो ये आप देख सकते हैं CIC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका जो है URL आप देख सकते हैं ऊपर, cic.gov.in है। और जब हम इसके होम पेज पे जाते हैं तो हमें कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखाई देता है, और आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप में जो राइट साइड में आपको दिख रहा है अपील एंड कंप्लेन ऑनलाइन, हम उसको क्लिक करेंगे। मैंने इसको क्लिक कर दिया है और इसमें पूछा जा रहा है कि एक्सटर्नल लिंक है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने उसको कर दिया है अप्लाई। और अभी आप इंस्ट्रक्शंस को देख सकते हैं, यहाँ पे भी वही चीज़ें बताई जा रही हैं कि आपको सारी चीज़ें जो है वो स्कैन करनी है, PDF फॉर्म में रखना है, और कुछ लिमिटेशंस है कि इतनी MB होनी चाहिए, जो कि नॉर्मली
आपकी वो लिमिट में ही रहती है, बहुत कम ऐसा होता है कि 5 MB से आपका जो है अटैचमेंट एक्सीड कर जाए, तो इसके लिए ज़्यादा हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अब आप देख सकते हैं कि इसको कैसे भरेंगे, ऑनलाइन अपील यहाँ पर लिखा हुआ मिनिस्ट्री का नाम, चूँकि मेरा जो मामला है वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है तो मैं भरूँगी इसमें HRD। तो वैसे ही आपका जो भी मामला होगा जिस डिपार्टमेंट से होगा आप उसकी जो मेन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट होगा उसका आप नाम डालेंगे। नेक्स्ट मुझसे पूछा जा रहा है डिपार्टमेंट का नाम, तो मेरा जो डिपार्टमेंट है वो है हायर एजुकेशन का, तो मैंने हायर एजुकेशन डाल दिया है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा इंस्टीट्यूशन था, और स्पेसिफिक यहाँ पे क्वेश्चन है कि वो कौन सा इंस्टीट्यूशन था जिसके रिप्लाई से मुझे RTI के सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। तो मेरा जो इंस्टीट्यूशन है बेसिकली वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है नेम ऑफ एप्लीकेंट, जो मैं भरूँगी अपना बाद में। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पूछा जा रहा है जेंडर क्या है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं चूँकि फ़ीमेल हूँ तो फ़ीमेल फिल करूँगी, आप अपने हिसाब से इसको फिल कर लीजिएगा। कंट्री में इंडिया, चूँकि मैं कंट्री इंडिया से बिलोंग करती हूँ और RTI की जो फैसिलिटी है वो इंडियन सिटीजन्स को ही दी जाती है, इसलिए ऑलरेडी ये फिल्ड है। और यहाँ पे मैं अपना एड्रेस दूंगी, वो एड्रेस जहाँ पे मुझे पोस्टल जितने भी करस्पोंडेंस करने हैं मैं बेसिकली वही अपना यहाँ पे एड्रेस दूंगी। स्टेट, UT और डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो आपका एड्रेस है ये सारी वही सारी इन्फॉर्मेशंस हैं। मोबाइल नंबर आप ज़रूर दे दीजिएगा, पिन कोड ज़रूर दीजिएगा ताकि आपको ज़रूर पोस्टल ऑर्डर मिल जाए। ईमेल ID जो है वो भी आप अपनी दे दीजिएगा। और नेक्स्ट हम देखते हैं डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है RTI रिक्वेस्ट फाइल्ड ऑन, तो इसका मतलब ये है कि आपने जब RTI में एप्लीकेशन किया था, किस दिन आपने RTI फाइल की थी उस दिन की आपको डेट लिखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कॉपी ऑफ RTI, तो जो कॉपी ऑफ RTI है यहाँ पे सीधे बोला जा रहा है कि वो PDF फॉर्म में ही आप उस एप्लीकेशन को यहाँ पे चूज़ करके फाइल को डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है CPIO डिटेल, CPIO का नाम हम कहाँ से जानेंगे, एड्रेस कहाँ से जानेंगे, इसके बारे में मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताया था। अगर आपको ध्यान नहीं है तो एक बार फिर से बता दूं मैं कि CPIO का नेम बेसिकली जब RTI का रिप्लाई आता है तो उसके नीचे दिया रहता है हमेशा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इनकेस नाम ना दिया हो तो आप जिस डेजिग्नेशन या पोस्ट नेम के साथ आया हो, जैसे हमारे जो CPIO हैं उनका डेजिग्नेशन मुझे पता है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, तो वही मैं उनके नेम में फिल कर दूंगी अगर इनकेस मुझे नाम नहीं पता है तो। और एड्रेस में होगा उनका फैकल्टी ऑफ कॉमर्स BHU। नेक्स्ट मेरे केस में, आपके केस में आप देख लीजिएगा कौन है रिस्पेक्टिव CPIO। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि रिस्पॉन्स ऑफ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन जो हमारे ऑफिसर हैं, नेचर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ CPIO, तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे ये जो ऑप्शन है आपको वो होता है कि आप अनसेटिस्फाइड हैं या आप उस इंफॉर्मेशन से संतुष्ट नहीं हैं, तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ वो किस तरह के इंफॉर्मेशंस बेसिकली होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ कुछ दिक्कत आ रही है फ्रेंड्स, चूंकि मैंने ऊपर की डिटेल्स नहीं भरी थी तो इसलिए ये प्रॉब्लम मुझे अराइज हो रही थी कि बार बार इसमें ये हो रहा था कि ऊपर की डिटेल्स भरी है इसलिए बार बार ऊपर स्लाइड चला जा रहा था। तो यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि नेचर ऑफ रिस्पॉन्स कैसा है, मीन्स आपको लेट से रिप्लाई मिला है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, या रिप्लाई आपको किया ही नहीं गया है RTI में, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। नेक्स्ट है हमारी डिटेल्स ऑफ फर्स्ट अपील, फर्स्ट अपील का आपने जब एप्लीकेशन किया था उस दिन का डेट आप यहाँ पे मेंशन करते हैं, और उस दिन का जो आपने एप्लीकेशन दिया था ऑफलाइन तरीके से अपील का, उसकी एक आप फ़ोटो खींच के स्कैन करके PDF में कन्वर्ट करके आप यहाँ पे अटैच कर दीजिएगा फाइल को। यहाँ आप आते हैं फर्स्ट अप्लियंट अथॉरिटी डिटेल्स, फर्स्ट अप्लियंट अथॉरिटी में जब आप फर्स्ट अपील करते हैं तो फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी में आप जब फिल करेंगे तो FAA का नाम जो है नॉर्मली मेंशनड होता है आपके RTI के फर्स्ट अपील के रिप्लाई के जस्ट नीचे मेंशनड होता है कि FAA कौन है आपके केस में, तो आप नीचे देख लीजिएगा कि वो कौन है। जैसे मैंने जब फैकल्टी ऑफ कॉमर्स पे किया था तो उसके जो हेड एंड डीन है वही मेरे FAA हैं,
क्योंकि मुझे ये इन्फॉर्मेशन कैसे पता चली, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट अपील का जो रिप्लाई है उसके नीचे लिखा हुआ था हेड एंड इन FAA फैकल्टी ऑफ कॉमर्स BHU करके मेंशन था, तो जिससे मुझे ये जानकारी मिली। आप भी वहाँ से देख सकते हैं, और फिर भी ना समझ में आए तो इस पर मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊँगी क्लियरली आपको, जिससे समझ में आएगा कि FAA का नाम हम कहाँ से देखें। तो नेक्स्ट है हमारा सेकेंड अपील जो है उसकी कॉपी मांगी जा रही है, सॉरी FAA का एड्रेस डिटेल मांगा जा रहा है। तो जैसे कि आपको डेजिग्नेशन के नीचे जिस जगह का नाम दिया जाता है कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मेरे केस में डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है, तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स उनका जो है वो एड्रेस हो गया। और अगर आपको FAA का नाम नहीं क्लियरली दिख रहा है सिग्नेचर में या मेंशन नहीं है कहीं भी, तो आप जैसे मेरे केस में डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स डीन लिख सकते हैं, हेड एंड डीन, उसी तरह से आप जो डेजिग्नेशन दी हुई हो वो लिख दीजिएगा। और अगर हम बात करें रिस्पॉन्स ऑफ यहाँ पे फर्स्ट FAA की बात करें, नेचर ऑफ रिस्पॉन्स, तो क्या आप फर्स्ट जो अपील था उससे संतुष्ट हैं, जो भी रिप्लाई आया था? अगर आप नहीं संतुष्ट हैं तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी ऑप्शंस आपको ज़्यादा सुटेबल लगेंगे, कि आपको रिप्लाई नहीं मिला था या अनसेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई है या गलत ये है, जो भी है आपका इशू आप उस हिसाब से ये कर लीजिएगा। बेसिकली मेरा जो रिप्लाई है वो अनसेटिस्फैक्ट्री वाला है, तो मैं अनसेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई को ही चूज़ करने वाली हूँ। और अगर हम बात करें सेकेंड अपील की, तो अब आप यहाँ देख करके थोड़ा सा हैरान होंगे कि कॉपी ऑफ सेकेंड अपील, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि सेकेंड अपील करने के लिए ही जब हमने ये वेबसाइट खोली है तो कॉपी ऑफ सेकेंड अपील हम कहाँ से लाएं? तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है वो मेरे साथ भी अराइज़ हुई थी जब मैंने पहली बार सेकेंड अपील करने की कोशिश की थी। तो बेसिकली आपको इसके लिए करना क्या है कि एक सेकेंड अपील आपको खुद से लिख लेनी है, एक प्लेन शीट पे आप सेकेंड अपील लिख लीजिएगा कि आपको क्या अनसेटिस्फैक्ट्री लग रहा है, फर्स्ट अपील मिलने के बाद भी आप क्यों अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। उसमें नीचे सिग्नेचर ज़रूर कीजिएगा, जो भी आप अपना अपील लिख रहे हो उसमें नीचे साइन ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये CIC को पता चल सके कि ये जो एप्लीकेशन है वो देने वाले आप ही हैं, कोई आपके बिहाफ में ये एप्लीकेशन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है हम बात करें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की, तो अगर आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आपका जो केस है या आपकी बात को बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करता है। पर इनकेस आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको आप PDF फॉर्म में ही अटैच करेंगे, तो बेसिकली स्कैन करने के बाद ही कीजिएगा ताकि ज़्यादा क्लियर रहे आपका जो PDF है। नेक्स्ट है एप्लीकेंट्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो इसके लिए मैं ये बता दूं कि एक और जो डिटेल होती है वो चाहिए होती है ID प्रूफ। जैसे मैं अपना आधार कार्ड यहाँ पे यूज़ करती हूँ ID प्रूफ के लिए, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आप पैन कार्ड भी दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो दे सकते हैं आप, उसमें आप सिलेक्शन में जाके देख सकते हैं ID प्रूफ के लिए। तो उसका भी आप एक PDF में कन्वर्ट करके रख लीजिएगा स्कैन करने के बाद, ताकि वो क्लियरली दिखाई दे। आपकी जो ID है उसको भी पहले से ही तैयार रखिएगा, ये चीज़ बतानी मिस हो गई थी मुझसे। और नेक्स्ट है डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ये है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग। और अब हम इसके बाद जब हमारी सारी इन्फॉर्मेशन फिल हो जाती हैं तो हम उसको सबमिट कर देते हैं। तो बेसिकली अब मैं अपनी सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको ये, सॉरी फ्रेंड्स, मैं पूरा आपको भर के तो नहीं दिखा सकती, पर जैसा मैंने आपको बताया बिल्कुल वही प्रोसेस है। और आप जब सबमिट करते हैं डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद, तो आपको तुरंत मिलता है एक डायरी नंबर, डायरी डेट, जिसको वहाँ जो CIC से रिलेटेड जो लोग होते हैं, सबमिट करने के बाद आपको डायरी डेट और डायरी नंबर मिल जाता है। और वहाँ स्क्रूटनी होती है बेसिकली कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सभी सही है या नहीं है, जितने भी कॉलम्स आपने फिल करना था वो आपने सही तरीके से किया है या नहीं किया है। कोई कमी हो जाती है तो आपको फिर इन्फॉर्म किया जाता है, फैसिलिटेशन मेमो दिया जाता है, इशू किया जाता है, जिससे आप उन कमियों को दूर कर सकते हैं। और मैंने जो भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताई है वो चूँकि मैंने पहले भी सेकेंड अपील किया है और सक्सेसफुली चूँकि मेरा सबमिट हुआ है, कंप्लेंट रजिस्टर भी हुआ है, तो मेरे पास जो नॉलेज थी और मेरा जो एक्सपीरियंस था उसके बेसिस पे मैंने आपको आपके साथ में अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को शेयर किया बेसिकली इस वीडियो में। और आप चाहें तो एक बार खुद से भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिनको भी ज़रूरत हो इस वीडियो की उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।